नमस्कार, न्यू कॉबेट समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। सड़क सुरक्षा सप्ताह, निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन रामनगर में। 100 से अधिक वाहन चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। रामनगर में आज 34वें सड़क सुरक्षा सप्ताह माह के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा डिग्री कॉलेज के सामने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वाहन चालकों एवं परिचालकों की निःशुल्क जाँच की गई, जिसमें आंखों की जांच, ब्लड प्रेशर, शुगर, ईसीजी, एक्सरे किया गया। आज लगभग 100 से अधिक वाहन चालक एवं परिचालकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया एवं उनको निःशुल्क दवाएं एवं चश्मों का वितरण किया गया। इसका उद्घाटन रामनगर क्षेत्र के विधायक दीवान सिंह बिष्ट द्वारा किया गया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी रामनगर राहुल शाह एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रामनगर संदीप वर्मा, पुलिस क्षेत्राधिकार रामनगर भूपेंद्र भंडारी द्वारा वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी गई। इस अवसर पर बहुत सारे चालकों एवं परिचालकों की आंख में समस्या बताई गई। इस संबंध में उनके उपचार हेतु दवाएं एवं चश्मों का वितरण किया गया। इस अवसर पर माननीय विधायक द्वारा वाहन चालकों को सड़क पर सुरक्षित चलने हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर तहसीलदार कुलदीप पांडे, रिजॉर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हरिमान, TSI रामनगर उमानाथ मिश्र, अतुल मेहरोत्रा, रामदत्त चिकित्सालय के प्रबंधक डॉक्टर प्रतीक, व्यापार मंडल से गौतम चढ़धा, डॉक्टर संयम मल्होत्रा, डॉक्टर पूजा पडेरिया, डॉक्टर रवित कुमार आदि उपस्थित रहे। आप लगातार देखते रहिए न्यू कॉबेट समाचार रामनगर से। न्यू कॉबेट समाचार की यह विशेष रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। अभी लगभग 50 मरीजों का जो है हम लोग चेकअप कर चुके हैं और सुरक्षा माह चल रहा है। हमारे यहाँ पूरे देश में सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसमें हम लोगों ने आज अंतिम दिन एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। यहाँ जो भी वाहन से संबंधित जितने भी लोग हैं, ड्राइवर है, कंडक्टर है या ऑटो ड्राइवर है, उनका सबका निःशुल्क जो है चेकअप किया जा रहा है। ECG की जाँच की जा रही है, ब्लड प्रेशर की जाँच की जा रही है, ब्लड शुगर की जाँच की जा रही है, आँखों की जाँच की जा रही है और एक्सरे किया जा रहा है। हम लोगों का उद्देश्य ये है कि जो वाहन चालक है अगर वो स्वस्थ रहेगा तभी वो गाड़ी ठीक से चला पाएगा। यदि किसी की आँख में कोई कमी है और वो गाड़ी चला रहा है तो जो सवारी उसमें बैठी उसके लिए ख़तरनाक है। इसलिए उनके उनका जो सुरक्षित रहने के लिए ड्राइवर का स्वस्थ रहना जरूरी है, इसलिए ये स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। और अभी तक लगभग 55 लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण करा लिया है। कई लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, किसी को आँख पे दिक्कत आ रही है, ECG करा रहे हैं उसमें दिक्कत आ रही है, तो उनके उपचार के लिए व्यवस्था की गई है और यहाँ पर निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया जा रहा है और चश्मा भी जो है उन लोगों को दिया जाएगा निःशुल्क। यहाँ पर सर ये सरकार से हमारा ये प्रयास है कि दुर्घटनाओं में जो है कमी आए। बस जो है हम लोग सड़क सुरक्षा माह जब होता है तब एक दिन के लिए हम ये कैंप लगाते हैं और सभी वाहन चालकों को इससे लाभ होता है। तो मैं यहाँ पे ERTO साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने सड़क पर उतर करके एक बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल कैंप का जो है अपना एक नींव रखी है, जिसकी हम उम्मीद करते हैं कि हर साल शुरुआत रहे और चलता रहे। यहाँ पे कई तरह के मरीज आए, अब तक काफ़ी मरीज आ चुके हैं जो अपना उपचार करा चुके हैं और उपचार कराने के दौरान क्या होता है, कई लोगों में बीमारियाँ निकलती हैं जो हमें पकड़ में आ जाती हैं। जैसे कुछ मरीज आए जिनमें आँख में मोतियाबिंद निकला, जो कि सड़क पर वाहन चलाने में सक्षम है लेकिन जो है नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उनको आगे सलाह दी जाती है कि क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। बाकी उसके अलावा यहाँ पे ECG की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, दवाइयों का वितरण हो रहा है और नज़र में जिनकी कमियाँ हैं उनके चश्मे के नंबर जो है चेक कराए। भविष्य में भी डॉक्टर साहब, जैसे अगर आपके पास कोई वैसे भी मरीज मिलना चाहे तो उसको ऐसी सुविधाएँ मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी। कोई भी परेशानी होती है या कोई भी दिक्कत होती है तो हमारा जो सरकारी अस्पताल है रामदत्त जोशी, उसमें आँख के विभाग में किसी भी वक्त आकर के अपनी आँखों संबंधित बीमारी को कभी भी बता सकते हैं। यहाँ पर हर बीमारी के मरीज आए जिनका जनरल चेकअप किया गया, BP, शुगर, ECG, एक्सरे, जिनको नॉर्मल भी निकला है उनको एक अवेयरनेस भी फैलाई गई है कि जो जिस तरह की लाइफस्टाइल में हम जी रहे हैं उसमें बहुत सारी बीमारियां जो कि कॉमन है पर वो जब तक सिम्टम नहीं आते पता नहीं चलती, तो ये भी एडवाइस किया गया है कि रेगुलर अपने चेकअप करवाते रहें। जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे ये सारी सुविधाएं उपस्थित हैं, तो वहाँ पे आके चेकअप कराएं। ऐसे कैंप्स होते रहते हैं जिसकी वजह से वो अपनी अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं बीमारी का, अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं और जिनको बीमारियां पकड़ी गई हैं उनको दवाइयां मिली हुई हैं और आगे अपनी हेल्थ को ध्यान में रखने के लिए बहुत सारे और एडवाइस भी दी गई।
और फिर चेकअप भी हुए, ईसीजी हुए हैं, एक्सरे हुए हैं, ब्लड शुगर के सारे टेस्ट वगैरह हुए हैं। मैडम स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा सा कुछ बताइए, कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि जिससे लोग उसको ध्यान रखें, बीमारी ना हो। जिस तरह का हम लाइफस्टाइल आजकल जी रहे हैं वो बहुत सेडेंट्री है, तो मैं एडवाइस करूँगी कि एटलीस्ट 30 मिनट्स वॉक करें, अगर आप जिम जा सकते हैं या फिर रनिंग कर सकते हैं या योगा मेडिटेशन इस तरह की कोई एक्सरसाइज इनकलकेट कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में तो बहुत अच्छा होगा। जंक फूड बाहर ज़्यादा खाना से परहेज करें, डेली योगा करें, ये सारी चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में इंकल्केट करेंगे तो एक हेल्दी लाइफ हम